Students of 8th class, let's start the reading from the page number 66, and the chapter is Dreaming of the Dawn War. So I was here, the Tommy enjoys the climbing in Yosemite. So Tommy jo tha, that was a young boy, and he enjoyed the climbing in the mountain ranges. He has tried many of the routes up in EI Captain, that is also a mountain range. The 3000 foot cliff is so sheer that from the distance it looks like a smooth surface. तो 3000 फुट जो हाई जो माउंटेन रेंज थी, इट्स जो क्लिफ था इसका टॉप था, इट्स इट वाज द शीर मींस इट वाज द परपेंडिकुलर एंड इट लुक्स वेरी हाई एंड फ्रॉम द डिस्टेंस इट लुक्स द स्मूथ सरफेस. फ्री क्लाइंबर्स स्ट्रगल टू फाइंड द एजेस एंड लेजेस इन द रॉक टू होल्ड ऑन टू हैंड्स आउट ऑफ द 100 और सो रूट अप EI कैप्टन. तो जितने भी फ्री क्लाइंबर्स हैं जो कंपटीशंस के अगेंस्ट जो हैं वो कर रहे होते हैं क्लाइंबिंग, तो वो एजेस और लेजेस को क्लिफ्स जो हैं उनको फाइंड आउट करते हैं ताकि उनकी सपोर्ट से वो ऊपर माउंटेन रेंजेस जैसे EI कैप्टन है वहाँ तक पहुँच सके. ओनली 13 हैव बीन सक्सेसफुली फ्री क्लाइंब. तो 13 जो थे वो फ्री क्लाइंब कर रहे थे. ऑफ दीज द मोस्ट डिफिकल्ट इज कॉल्ड द डाउन वॉल. तो इन सब में से जो माउंटेन रेंज में सबसे डिफिकल्ट वे था दैट वॉज द डाउन वॉल. टॉमीज ड्रीम वॉज टू फ्री क्लाइंब द होल रूट इन वन ट्रिप. तो अब टॉमी का जो ख्वाब था कि वो एक ही ट्रैवल में, एक ही जर्नी में या एक ही ट्रिप में उस क्लाइंबिंग को या इस रूट को कम्प्लीट करना चाहता था. In 2000, Tommy and three other climbers were in Kyrgyzstan, climbing in the Pamir Alai mountain ranges where they were shot at the then captured by Uzbekistan rebels. तो अब ये कारगिस्तान का जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर वो जो है वो क्लाइंबिंग कर रहे थे. तो बाय रेबल्स जो थे उन्होंने उनको, उज़्बेकिस्तान के रेबल्स जो हैं, दे कैच देम. आफ्टर द सिक्स डे ऑफ बीइंग हेल्ड द हॉस्टेज, तो उन्होंने उनको हॉस्टेज बना लिया और अपने पास जो है वो उनको कैद कर लिया. टॉमी मैनेज टू ओवरपावर अ गार्ड एंड गेट फ्री. तो ये इट वाज अ चैलेंज फॉर हिम. तो उसने उसके साथ गार्ड के साथ जो है वो उसको ओवरपावर किया और फिर बाहर आ गया. एंड द फोर क्लाइंबर्स हैड टू ट्रैक 29 किलोमीटर्स बिफोर दे फाउंड हेल्प. तो उनको जो है वो 29 किलोमीटर्स तक चलना पड़ा, ट्रैवलिंग करनी पड़ी विदाउट हेल्प. एंड द सफरिंग एंड द फियर दे हैड एक्सपीरियंस्ड हैड अ डीप इफेक्ट ऑन टॉमी एंड द अदर क्लाइंबर्स. तो इस तरह से ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, उन्होंने सफरिंग बर्दाश्त की और डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था. टॉमी हैज़ बीन रिपोर्टेड एज सेइंग दैट द एक्सपीरियंस मेड हिम रियलाइज दैट इफ ही कुड कोप विद बीइंग the held hostage he could cope with anything. तो अब उसने इस टफ एक्सपीरियंस से गुजर कर ये सीखा कि अगर वो होस्टेज के साथ कम्पीट कर सकता है, उनको जो है वो ओवरकम कर सकता है इस डिफ़िकल्टी को, तो ही कैन डू एनी थिंग इन द लाइफ. देन इन 2001 डिज़ास्टर स्ट्रक अगेन. तो डिज़ास्टर दोबारा आया 2001 में. टॉमी वॉज वर्किंग विद द टेबल्स ऑफ व्हेन ही हैड एन एक्सीडेंट एंड चॉप ऑफ द टॉप ऑफ हिज इंडेक्स फिंगर. तो अब जो उसकी जो शहादत वाली फिंगर है, तो वो जब वो टेबल सॉ जो है आरी के साथ काम कर रहा था, तो वो इंजर्ड हो गई, चॉप हो गई. एंड डिस्पाइट द पेन ही एक्टेड क्विकली एंड पुट द पीस ऑफ द फिंगर इन आइस. When he reached the hospital, the doctor were able to sew his finger back together. तो डॉक्टर ने उसकी जो फिंगर उसको दोबारा जो है वो साथ अटैच किया. However, they told Tommy that it would never recover fully. तो ये अब जो है मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुई, सो इट विल नॉट बी रिकवर फुली. टॉमी न्यू दैट हैविंग द 9 फिंगर्स वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ प्रोफेशनल क्लाइंबर, बट ही ऑल्सो न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब वेल इफ वन ऑफ हिज फिंगर कुड नॉट ग्रिप प्रॉपरली.
तो अब एक फिंगर अगर सपोर्ट ना करे तो आपको पता है कि पूरा हाथ जो है वो मुकम्मल तौर पे चीज़ को या किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, कैरी नहीं कर सकता. सो ही वॉज वरीड अबाउट हिज प्रोफेशनल स्किल एंड ही आस्क्ड द डॉक्टर टू रिमूव द टिप एंड विद हिज फादर वर्कड ऑन मेकिंग हिज हैंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. तो अब वो प्रैक्टिस भी करता रहा कि मेरा हाथ पहले से ज़्यादा काम करना शुरू हो. मैनी पीपल थॉट दैट हिज क्लाइंबिंग कैरियर वॉज ओवर, कि अब वो ख़त्म है उसका कैरियर. इट वॉजन मच ऑफ द एवरी वंस सरप्राइज टॉमी क्लाइंबिंग टेक्निक कंटिन्यू टू इम्प्रूव. तो अब उसने पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस की और पहले से ज़्यादा वो टेक्निकल हुआ. ही वॉज द मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली जो है वो एंथुसियास्टिक था, स्ट्रॉन्ग था. ही न्यू दैट ही कुड विदस्टैंड द हंगर एंड द थर्स्ट एंड द पेन. तो दीज थ्री थिंग्स जो लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हंगर, थर्स्ट और पेन के साथ वो फाइट करते हैं, तो दे कैन कम्पीट विद एनी थिंग इन द लाइफ. ही कुड कीप काम एंड when faced with fear and danger or difficulty, if he came face to face with the challenge, he dealt with it head on. तो अब इस तरह के डेंजर से या वो फेस टू फेस उन चैलेंजेस का सामना कर रहा है तो ही कैन डेल्ट विद इट और उसको जो है वो ओवर पार करेगा. टू डे द टॉमी कैलविल ट्रेन्स एवरी डे, तो हर डे वो प्रैक्टिस करता रहा. ही रन्स इन द माउंटेंस फॉर 12 miles, तो 12 miles तक उसने प्रैक्टिस की माउंटेन्स पर चढ़ने की. ही ट्रेन्स हिज मसल्स विद वेट एंड ही प्रैक्टिस हिज क्लाइंबिंग ऑन द स्पेशली बिल्ड वॉल इन हिज हाउस. तो घर में ही उसने कोई इस तरह की वॉल जो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी उस पर जो है वो क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की. इन 2014 and he began to focus his time and efforts on his long time goal of climbing the dawn wall. तो अब उसने इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया अपना dawn wall पे प्रैक्टिस करने के. long climbs are divided into pitches and they are roughly the length of the standard climbing rope. तो अब जो रोप है उस पर मार्क किया गया, पैचेस लगाए गए. तो ये जो थी सॉरी जो पिचेस हैं वो इसमें डिवाइड करने से मुराद है कि लॉन्ग जर्नी को उसने डिस्टेंस में डिवाइड किया और उन पिचेस के थ्रू वो जो है वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करता रहा. टॉमी वर्क विद हिज क्लाइंबिंग पार्टनर केविन जॉर्गेसन, तो अब वे सेकेंड पार्टनर है जो उसके साथ वो भी ज्वाइन करता है. टू मैप आउट द पिचेस ऑन द डाउन वॉल, अब वो मैप आउट कर रहे हैं, उसका नक्शा खींच रहे हैं कि पिचेस जो है वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने रुक के फिर आगे जाना है. दे प्लान्ड अ रूट ऑफ 32 pitches, तो 32 pitches वर देयर ऑन दैट माउंटेन रेंज. Two of these, 14 and 15, are some of the most difficult climbs in the world. तो ये 14, 15 जो थे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो climbs थे. And one requires the climbers to balance carefully on fingertips and the toes and spring sideways to catch and hold on to the small bit of rock. अब जो रॉक्स के जो स्मॉल बिट्स थे, किनारे थे, अब वहाँ पर जो है वो बैलेंस कायम करना क्लाइंबर के लिए और वो भी अपने फिंगर टिप्स और टोज के साथ, तो इन तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हिम. फॉर अ फ्यू माइल सेकंड्स द क्लाइंबर इज हाई अबव द अर्थ एंड जंपिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लिफ फेस टू एन अदर. तो अब जो फ्यू माइल्स जो है उसको कवर करते हुए क्लाइंबर जो है वो जंप करता हुआ वो क्लिफ के पास पहुंच जाता है. टॉमी एंड केविन बिगैन देयर क्लाइंब ऑन 27 December 2014, तो दिस वाज द टाइम व्हेन दे कवर्ड दिस डिस्टेंस. दे स्लेप्ट इन टेंट एंड दैट वर हंग
फ्रॉम द क्लिफ फेस। तो अब वो जो है वो टेंट में उन्होंने रात गुजारी और फिर जो है वो क्लिफ के फेस पर वो वहाँ पर जो है वो लटके रहे। एंड देयर फ्रेंड्स हैव देम बाय प्रोवाइडिंग अ डेली सप्लाई ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट। तो अब जो इनके कंपेनियंस थे, देयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको मॉरल सपोर्ट भी किया और उनको ईटेबल्स भी प्रोवाइड किए। समटाइम्स इफ इट्स वाजंट क्लाउडी और कूल एनफ फॉर देम टू क्लाइंब इन द डे टाइम। तो डे टाइम जो था वो कोई क्लाउडी भी नहीं था, कूल नहीं था, इट वॉज़ अ हॉट सनी डे था, तो उनके लिए चढ़ना बहुत मुश्किल था। एंड दे हैड टू क्लाइंब एट नाइट। तो फिर रात के वक्त वो क्लाइंबिंग करते थे। फॉर द फर्स्ट वीक द पेयर मेड द गुड प्रोग्रेस एंड एट द नोटोरियस पिच 15। तो अब पहला वीक तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर जो है वो 15 पिच जब आई, टॉमी क्लाइंब्ड इट एंड मूव्ड ऑन। वो उस पर चढ़ा और आगे बढ़ने लगा, बट केविन डिडंट। तो केविन जो था वो पीछे रह गया, ही फेल, वो गिर गया। एंड द नेक्स्ट डे ही ट्राइड अगेन एंड बट इट वॉजंट टू बी। फॉर 10 डेज केविन वॉज स्टक ऑन द पिच 15 एंड हिज फिंगर ब्लीड। तो अब उसकी फिंगर्स जो थी वो ब्लीड करने लग गई, वो बहुत उसके लिए पेनफुल जर्नी हो गया। एंड हिज मसल्स एच्ड एंड हिज स्पिरिट वर लो। तो जिस तरह से वो उसका फिजिकली जो है वो उसका जर्नी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, तो उसकी स्पिरिट या उसके अंदर वो जो था उसका जज्बा वो भी थोड़ा कम हो गया, लो हो गया। टॉमी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू फार अहेड विदाउट द केविन, बट इट लुक लाइक द माइट हैव टू। तो वो आगे नहीं जाना चाहता था केविन के बगैर, लेकिन शायद उसे आगे बढ़ना था। देन ऑन द 9th ऑफ द जनवरी केविन मेड इट थ्रू द पिच 15। तो ये इस डेट पे वो वहाँ से मूव ऑन हुआ, आगे बढ़ा। एंड द क्रू ऑन द ग्राउंड हु वर सपोर्टिंग द क्लाइंबर सेलिब्रेटेड एंड केविन स्पिरिट लिफ्टेड। तो अब जो नीचे लोग क्रू था या जो कोई हजूम था वो बहुत खुश हुए, उन्होंने उनको ग्रीट किया और उनको सपोर्ट किया और उसको आगे बढ़ते हुए देखा। सून द टू मैन वर बैक टुगेदर। तो अब दोनों जो है उन्होंने अपने टारगेट अचीव किया, दे वर बैक अगेन एंड फ्री क्लाइंबिंग वन नो वन हैड फ्री क्लाइंब्ड बिफोर। On 14th January 2015, Tommy Caldwell and the Kevin Jorgensen became the first people to free wall climb up the dawn wall of the EI captain. So this was the mountain range जिसको उन्होंने cover किया। No one had ever managed to free climb up the dawn wall it to another 3000 foot route ऑन द EI कैप्टन। तो किसी ने भी इसको जो है वो यूँ कवर नहीं किया था। एंड स्लैथी वॉल एंड द टॉमी कैलविल फ्री क्लाइंब ऑल द वे टू द टॉप ऑफ स्लैथी वॉल। तो अब वो फ्री क्लाइंबिंग करता रहा और स्लैथी वॉल जो है दैट इज ऑल्सो माउंटेन रेंज ट्रैकल डाउन टू द बॉटम एंड क्लाइंब अप अ डिफरेंट वे एंड द अमेजिंग फीट took him 24 hours. तो अब उसको 24 घंटे लग गए इस तरह से। एंड द क्लाइंब अप द डाउन वॉल हैड टेकन नियरली 19 डेज। तो अब इसको जो था डाउन वॉल को एटलीस्ट 19 डेज लगे टू कवर अप। सो दिस वॉज द जर्नी ऑफ टॉमी कैडविल एंड ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑन द योसेमिटी। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप यू हैव इंजॉयड। टुमारो आई विल डू द एक्सरसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन फॉर यू। ओके, टेक केयर।